हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गाइस, तो गाइस मैं बहुत दिनों बाद यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, 3-4 महीने के बाद, क्योंकि गाइस मैं कबड्डी खेलता हूँ, आई मीन मैं एक कबड्डी प्लेयर हूँ। तो एक टूर्नामेंट में मेरे घुटने में इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे घुटने का लिगामेंट टूट गया था दोस्तों। तो उसका मैंने ऑपरेशन करवाया है दोस्तों, मतलब उसकी सर्जरी करवाई है। तो गाइस आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि हमें एशियल सर्जरी कराने के बाद हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए फर्स्ट वीक के अंदर, और 1-2 दिन के अंदर क्या करना चाहिए, मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या चीजें करनी चाहिए और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं के बारे में आज की वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सर आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है एशियल सर्जरी के बाद में और हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए फर्स्ट वीक के अंदर। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सर्जरी के 1-2 दिन तक आपको ओनली अपनी फिंगर्स को हिलाना होता है दोस्तों, ओनली, जिससे कि आपके आपके नी तक की एक्सरसाइज होती है दोस्तों। और आपके सर्जरी के बाद आपकी ड्रेसिंग कर दी जाती है, आपके जो भी छेद किए जाते हैं जो उनके ऊपर। और फिर क्या करना है दोस्तों, आपको 3rd डे से आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी होती है। उनमें आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या होती है, आपकी होती है उसमें एक्सरसाइज जिसमें आपको अपने हील, मतलब जो पंजा होता है उसको फुल रोल करना है, फुल कि इस तरीके से 360 घुमाना होता है दोनों साइड से। ये एक्सरसाइज करनी होती है आपको। और सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना होता है दोस्तों, आपको सेकंड एक्सरसाइज में आप पहले तो आपको इस तरीके से अपने घुटने को एकदम स्ट्रेट करना होता है, और फिर उसको नीचे की साइड 5 सेकंड होल्ड, फिर स्ट्रेट करना होता है, और फिर 5 सेकंड नीचे, जिससे कि आपकी मसल्स में पावर आना हो जाएगी दोस्तों। इसमें होता क्या है, हमारे सर्जरी के बाद अपना पैर कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल बिल्कुल कमजोर हो जाती है। देखिए दोस्तों, मेरे इस पैर और इस पैर में अभी भी बहुत अंतर है, बल्कि मेरे सर्जरी को 20 दिन हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी मसल्स की पावर को बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइजेस करनी होती है। तो इसमें ये एक्सरसाइज करनी है 5 सेकंड होल्ड, ये 2 एक्सरसाइज हो गई। और लास्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, इसमें आपको ओनली फर्स्ट वीक में घुटने को 30 डिग्री तक बेंड करना होता है, कुछ इस तरीके से, ओनली 30 डिग्री। फर्स्ट वीक का गोल यही होता है, हमारे घुटने को 30 डिग्री तक हमें फोल्ड करना होता है। आप 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं कर सकते दोस्तों, अगर आप घुटने को आप अपने समय से पहले अगर फोल्ड करने लग जाएंगे तो आपके लिगामेंट ढीला हो जाएगा, जो उन्होंने आर्टिफिशियल प्रोडक्ट डाला है वो ढीला हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। और दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि ये तीनों एक्सरसाइजेस आपको फर्स्ट वीक के अंदर करनी है, और फर्स्ट वीक का गोल है ओनली 30 डिग्री, 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं करना है गाइस। और मैं आप सबको बता दूं कि आपकी सर्जरी के बाद आपके घुटने में थोड़ी स्वेलन आ जाती है, वो थोड़ा सुन करने के लिए कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपके घुटने पे स्वेलन आ जाती है, जिसके लिए आपको क्या करना होता है, दिन में 5 से 6 बार आइसिंग करनी होती है अपने पूरे लेग की, घुटने के ऊपर से नीचे से यहाँ तक पूरी आइसिंग करनी होती है दिन में 5 से 6 बार। और आपको ये तीनों एक्सरसाइजेस सुबह शाम दोपहर 3 टाइम करनी है दोस्तों, और आइसिंग करें और ज़्यादा फोल्ड ना करें, अगर आप फोल्ड करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, और वॉकर से ही चले, बिना वॉकर के बिल्कुल ना चले। और आप फोर्स दे सकते हैं, लेकिन आप जितना देना चाहते हो उससे थोड़ा कम ही दे, क्योंकि फालतू में दिक्कत क्यों करनी है दोस्तों। और आप बेंड करने का खासकर ध्यान रखें, अगर ज़्यादा बेंड करेंगे 30 डिग्री से फर्स्ट वीक में तो आपका लिगामेंट में दिक्कत हो सकती है, तो टाइम से पहले हमें नहीं करना है, और ये एक्सरसाइजेस करें फर्स्ट वीक की। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।